हेलो गाइस, सो फाइनली मच अवेटेड रिजल्ट ऑफ जेड इज आउट एंड इसके आने के बाद सबके होश उड़ गए। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ऊपर रिजल्ट आया है। इसका मतलब हमारे जितने भी एस्टिमेशन थे आई थिंक वो भी टोटली रॉन्ग है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था वैसे ही रिजल्ट आए, नहीं आए, नॉट इवन आर्स, किसी के भी नहीं आए हैं गाइस, क्योंकि इतना ऊपर रिजल्ट जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड वो जो 3 क्वेश्चन की वजह से आई थिंक काफी चेंजेस आए हैं वो किसी के हाथ में नहीं है। एट द टाइम ऑफ शोइंग स्कोर्स और आंसर शीट दे सेड के एवरीबडी विल गेट दोज 3 मार्क्स, बट एट द टाइम ऑफ स्कोरिंग दे हैव रिमूव दोज 3 मार्क्स फ्रॉम एवरीवन्स मार्क्स। तो उससे काफी ज्यादा चेंजेस हो गए स्कोर वर्सेस परसेंटाइल में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ दे कम अप विथ सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन इन फ्यूचर। इट शुड बी विद इन 24 आवर्स दे शुड कम अप विथ सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, बिकॉज इवन आई फाइंड इट के स्कोर पूरा रॉ मार्क्स से एड नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जो 3 क्वेश्चन हटाए हैं वो उन्होंने सिर्फ मार्क्स में से हटाए हैं, बट ओवरऑल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अभी भी 76 में से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, बट कुछ तो डिस्क्रिपेंसी लग रही है। देखते हैं इफ दे कम अप विद सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स चेक गाइस, और मैं बार बार बोल रहा हूं हम गलत गए एंड वी आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी डिड नॉट प्रिडिक्ट इट एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट लाइक दिस। एंड एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो दैट दिस इज जस्ट एन एग्जिट पोल, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पोल वेयर वी कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट डेटा। तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हम जो डेटा देते हैं आपको वो अपनी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देते हैं, पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो सारे एक्सपेक्टेशन, वो सारे एक्सपीरियंसेस इस बार टोटली रॉन्ग हुए हैं। जितने भी इयर्स अभी तक पिछले पास्ट ईयर का डेटा था वो ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन था, बट इस बार का डेटा आई डू नॉट थिंक दैट एनीवन हैज प्रिडिक्टेड दिस काइंड ऑफ मार्क्स एंड परसेंटाइल विल कम। सो लेट्स चेक व्हाट हैपेंड दिस ईयर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट इज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। नाउ वी हैव द एक्चुअल डेटा, कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर स्कोर, वी विल कंपेयर इट एंड यू विल सी दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस गाइस, दिस ईयर स्कोर एंड लास्ट ईयर स्कोर। नंबर ऑफ सीट्स हैज बीन इंक्रीज्ड, सो दिस ईयर माइट बी द परसेंटाइल और कट ऑफ परसेंटाइल मे रिड्यूस बिकॉज नाउ द कॉल्स विल बी मोर। तो चांसेस हैं कि आपको हो सकता है 92 पे भी बीएम का कॉल आ जाए। तो ये सिर्फ अगेन प्रिडिक्शन है और अब मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं देना चाहता क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग वंस एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू बी रॉन्ग अगेन। सो आप सिर्फ वेट कर सकते हो और जो भी परसेंटाइल हमारे पास कैट कॉलेजेस जेड कॉलेजेस बचे हैं आप उनका फॉर्म, अगर अब आपके पास एग्जैक्ट परसेंटाइल है तो अब आप उसके बेसिस पे जो भी आपका परसेंटाइल बन रहा है यू कैन फिल सम मोर फॉर्म इफ द फॉर्म्स डेट इज स्टिल अवेलेबल। तो लेट्स चेक सीट्स, क्योंकि बढ़ गई हैं लास्ट ईयर से, 180 से 240 हो गई हैं और यहाँ पे भी 120 से 180 हो गए। तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ कॉल्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड इफ नंबर ऑफ कॉल्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज देन डेफिनेटली द नंबर ऑफ सीट्स हैज बीन इंक्रीज, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉल्स विल इंक्रीज एंड इन दैट केस द परसेंटाइल मे बी लोअर। ओके, सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, बट चांसेस है कि आपको थोड़े कम परसेंटाइल पे या इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ पे कॉल आ सकती है। ये है गाइज, वी कंपेयर द लास्ट ईयर का डेटा एंड दिस ईयर का डेटा। दिस ईयर का दिस इज द एग्जैक्ट डेटा, लास्ट ईयर का मैंने कुछ कुछ लिखा है। लास्ट ईयर 20 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल आ गया था गाइस, और इस बार वही 80 परसेंटाइल आया आपका 26.24 पे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। 25.36 पे देयर इज ओनली 78 एंड 22.49 पे देयर इज ए 70 परसेंटाइल। तो हम इस बार भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हमारा जो 80 परसेंटाइल है वो लगभग बनना चाहिए लगभग 22-23 के आसपास, लेकिन इस बार 22-23 पे सिर्फ 70 परसेंटाइल बना है। तो ह्यूज गैप। सिमिलरली अगर हम बात करें लास्ट ईयर 85.4 तो इट वॉज एट 23.5 एंड दिस ईयर इट इज एट 28.17 पे 85 परसेंटाइल बना है। जहां पे हमें लग रहा था 90 बनना चाहिए वहां पे 85 परसेंटाइल बना है। 90 परसेंटाइल इज समवेयर बिटवीन अराउंड 31 मार्क्स के आसपास 90 परसेंटाइल बना है, जो कि लास्ट ईयर 26 नंबर पे बन गया था 91.6। तो आप खुद देखो कि इस बार ह्यूज जंप आया है। इवन इफ दे हैव रिमूव्ड 3 मार्क्स देन ऑल्सो पीपल आर गेटिंग वेरी गुड स्कोर। 43.75 पे इस बार 99.46 है, जो पिछली बार आई थिंक 37 पे आ गया था।
तो इस बार लोग अच्छा करके आए। पेपर जैसे हमें प्रिडिक्टेड था कि पेपर डेफिनेटली थोड़ा सा आसान है, लेकिन इतना आसान होगा ये नहीं पता था। तो अब ये जो हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, या परसेंटाइल जो हम स्कोर लिख रहे हैं यहाँ पे 22.49, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ डिस्क्रिपेंसी मेरे को लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल ये जो हम परसेंटाइल लिख रहे हैं दैट इज आउट ऑफ 76। ये जो भी आपका स्कोर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 22.49, जो स्कोर हम लिख रहे हैं दैट इज हम लिख रहे हैं आउट ऑफ 76 को मल्टीप्लाई करके, जो भी आपका परसेंटेज स्कोर है तो 76 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिल रहा है 22.49, राइट। अब उन्होंने क्या किया, टोटल में तो उन्होंने 76 से कैलकुलेट किया है, लेकिन जब वो मार्क्स असाइन कर रहे हैं तो वहां पे वो 3 नंबर कम कर रहे हैं, उन्होंने मार्क्स नहीं दिए 3। तो अगर आप 3 नंबर नहीं दे रहे हो तो आपको टोटल में से भी तो कम करना चाहिए था, वो उन्होंने वहां पे कम नहीं किया है। तो इसी वजह से मेरे को लग रहा है उसका कुछ क्लैरिफिकेशन आई थिंक उनको देना चाहिए। आई डू नॉट थिंक वो आएंगे कम अप, कुछ बोलेंगे इसके बारे में या नहीं बोलेंगे, लेट्स सी। व्हाई आई एम फीलिंग देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसने अपना VA का स्कोर कैलकुलेट किया 13.75 विद आंसर की, और जो उसका रिस्पॉन्स शीट था उसने प्रॉपर कैलकुलेट किया, 13.75 उसका स्कोर आ रहा था, इस बार उसका जो परसेंटेज स्कोर बनाया वो बनाया 49%, राइट। तो अगर हम 49 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 12.75, यानी कि उसका 12.75 है, जबकि आंसर की के हिसाब से उसका स्कोर बनना चाहिए था 13.75। तो यहां पर भी मेरे को लग रहा है कि उन्होंने एक क्वेश्चन VA में काउंट नहीं किया है, जो पैराजम्बल वाला क्वेश्चन था या जो भी था, एक क्वेश्चन वो क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं आई डू नॉट नो। तो यहां पे मुझे कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी लग रही है VA में। DM का डेटा एग्जैक्ट ठीक है, तो DM का स्कोर कैलकुलेट वॉज 14.5, परसेंटेज स्कोर बना है 65.9, और यहाँ पर भी 65.9 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज एग्जैक्टली कमिंग आउट टू बी 14.5। क्वांट में ये है अगेन घपला, 25.5 स्कोर बन रहा था पहले जब कैलकुलेट किया था, परसेंटेज स्कोर इन्होंने दिया है 80.35, एंड इफ आई मल्टीप्लाई 80.35 विद 28 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देन इट इज कमिंग आउट टू बी 22.5। इसका मतलब उन्होंने 3 मार्क्स तो नहीं दिए वाले, ठीक है, लेकिन जब आप 3 मार्क्स नहीं दे रहे हो तो आप मेरे को 22.5 मार्क्स दे रहे हो आउट ऑफ 28, राइट। तो आपने जब वो 3 क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं किए, 3 क्वेश्चन अगर आपने कंसीडर नहीं किए तो मार्क्स शुड हैव बीन आउट ऑफ 25 ना, 25 का परसेंटेज मार्क्स में से कैलकुलेट होना चाहिए था स्कोर। तो यहां पे वो परसेंटेज टोटल में से दे रहे हैं जबकि फाइनली वो 3 क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन कि आप जब 3 क्वेश्चन वहां से हटा रहे हो, जो आप किसी को भी मार्क्स नहीं दे रहे हो, तो फिर आप 28 से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, दैट कैलकुलेशन हैज टू बी आउट ऑफ 25। तो पता नहीं, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सभी का आएगा कट ऑफ, ये लास्ट ईयर का है गाइस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार भी सेम जाने वाला है। तो इफ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग VA अलावा में 75, 72, 80 एंड ओवरऑल 93, देन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट द कॉल। इस बार मेरे को लग रहा है जैसे मैंने बोला सीट थोड़ी सी ज्यादा है तो माइट भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट अगेन दिस टाइम आई डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन और डेटा के 92 जाएगा 90 जाएगा, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और टू गेट द एग्जैक्ट कॉल। यहाँ पे कोई देने का फायदा है नहीं है क्योंकि हम अपना एक बार देख चुके हैं कि यार प्रिडिक्शन इस बार बहुत ही गलत गया है, तो यहां पर भी वी डू नॉट वॉन्ट टू एनी काइंड ऑफ कमिट। दीज आर द कॉलेजेस, इसमें से आप चेक कर सकते हो कौन सी डेट बची है, ये लगभग परसेंटाइल जाता है। एक्सएलआई जमशेदपुर 93, माइका अहमदाबाद 82-85, एक्सएलआई भुवनेश्वर, एक्सएम भुवनेश्वर लगभग 91 के आसपास। तो आप चेक करो एक बार आपका परसेंटाइल अगर इस रेंज में आ रहा है, अगर डेट बची है तो आप कुछ फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हो, के जे सुमाया 82-85, 85 मान के चलो 82-85 के बीच में आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा। 4 इज अगेन इस सेक्शनल कट ऑफ देखता है, सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा IMI देखेगा, बाकी ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखते हैं। तो अगर आपके पास ओवरऑल ठीक है बट आपका लग रहा है किसी सेक्शन में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, देन यू कैन टेक ए चांस, ठीक है। तो भरना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपका ओवरऑल इस रेंज में आ रहा है तो आपको इनके कुछ कुछ फॉर्म और भर सकते हो। कुछ लोगों ने पहले भी स्कोर पे फॉर्म भर दिए हैं, तो हमने बोला था कि लगभग 22-23 के आसपास 80 परसेंटाइल बनेगा,
उसके बेसिस पे लोगों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन वो 80 परसेंटाइल जाके बनाए लगभग 26 नंबर पे। तो उस वजह से काफी लोगों के स्कोर चेंजेस हुए हैं इस बार। तो दीज आर द फॉर्म गाइज, इफ यू फील दैट यू स्टिल डेट इज स्टिल अवेलेबल एंड यू स्टिल फील दैट यू हैव नॉट फिल्ड मोर फॉर्म्स, एंड इफ यू वांट टू फिल बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल देन यू कैन फिल इट। अच्छे कॉलेजेस लिखे हैं मैंने, 80 से ऊपर वाले लिखे हैं, उससे नीचे नहीं लिखे हैं। तो अगर आपका स्कोर उस रेंज में आ रहा है, कैटेगरी में आ रहा है, तो यू कैन फिल सम मोर फॉर्म। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल। ज्यादा मत सोचो, अभी सीमेट है और एमएचसीडी एग्जाम है, तो जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आई थिंक आपके ऊपर बर्डन ही आएगा, उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। मैं भी मुझे भी जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा आई वॉज ऑल्सो लेट बैक, इसीलिए मैंने थोड़ा लेट वीडियो शूट किया है। अदरवाइज आई कुड हैव कम अप अर्ली इफ आर एक्सपेक्टेशन कुड मैच, राइट? बट बिकॉज देर इज अ गैप, सो अब ठीक है यार, वो कभी कभी ना चीजें अपने हाथ पे नहीं होती है, तो वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट बट वी कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट नंबर। तो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम इफ दे कम अप सर्टेन काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, बट आई डू नॉट थिंक मच थिंग नीड टू बी चेंजेस। तो मान के चलो कि यही है स्कोर जो आया है, बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है, ठीक है? तो इस बेसिस पे अगर आप कुछ और फॉर्म भरना चाहते हो, अच्छी बात है, जिनका अच्छा स्कोर आया है कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, जो 99-95+ लेके आ रहे हैं, गुड लक फॉर देयर नेक्स्ट राउंड। बट जिनका स्कोर नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से कम आया, दे कैन दे शुड मूव ऑन एंड दे शुड प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम्स रादर थिंकिंग मच अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू एंड गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस।